सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। पति और पत्नी के बीच प्रेम का एक पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन पत्नी के अवैध संबंध में बाधक बनने पर एक पति को उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके सहयोगियों के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। घटना पटना जिले के भदौर थाना इलाके में हुई है। पुलिस ने टाल इलाके से शव को बरामद किया है। मृतक का पहचान नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत तुलसीगढ़ गांव निवासी स्वर्गीय जदुनंदन प्रसाद का 25 वर्षीय पुत्र राजीव कुमार है। युवक के निर्मम तरीके से हत्या की खबर मिलने पर गांव में सनसनी फैल गई। वहीं भदौर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। घटना में संलिप्त अन्य बदमाशों की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। परिजनों ने बताया कि राजीव 25 मार्च को लापता हुआ था। परिवार के लोग उसकी तलाश कर रहे थे और 27 मार्च को थाना में लापता की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस उसकी तलाश में जुटे थे। उधर पटना जिले के भदौर थाना की पुलिस ने 26 मार्च को टाल इलाके से एक अज्ञात युवक की लाश बरामद किया। मृतक की जेब से मिले कागजात के आधार पर उसकी पहचान नालंदा जिले के चंडी निवासी राजीव कुमार के रूप में की गई। सूचना पाकर परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों के हवाले कर दिया। परिवार की माने तो युवक का पत्नी से अक्सर झगड़ा होता था। महिला का किसी से अवैध संबंध था और अक्सर वह फोन पर व्यस्त रहते थे। इस कारण दंपत्ति के बीच झगड़ा होते रहता था। परिवार आरोप लगा रहा है कि अवैध संबंध में विरोध पर युवक को मौत के घाट उतारा गया है। वहीं भदौर थाना अध्यक्ष ने बताया कि पत्नी के अवैध संबंध के विरोध करने पर वारदात को अंजाम दिया गया है। महिला को गिरफ्तार कर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। वहीं घटना में संलिप्त अन्य बदमाशों की पहचान कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। आपको बताते चले कि दर्ज मामले को चंडी थाना में प्रेषित किया जाएगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अवैध संबंध का विरोध करने पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके सहयोगियों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो